वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आई हूँ आपको 310R BMW 310R का रिव्यू देने। इसको लिए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो मैं आज आपको इसका जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ कि 1.5 साल के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैंने ट्रिप लगाए हैं नैनीताल, करनाताल और देहरादून। तो अगर इसकी लुक्स की बात करें तो लुक्स में बहुत ही सुंदर कलर है, मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और नेकेड बाइक है विच लुक्स गुड। मेरी हाइट है 5 feet 2 inches और मुझे ये लगा कि ये बाइक की हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 784 mm। और इसमें मतलब बैठने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हाउ आई लुक व्हेन आई सिट। सो व्हेन आई एम सिटिंग ऑन दिस बाइक, मेरे जो पाँव हैं वो ठीक है, मतलब इतना टिपटो नहीं करते हैं। आई एम लाइक कम्फर्टेबल सिटिंग इन दिस बाइक। और इसका जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, मतलब ठीक है। जो सिटी राइड के लिए इट्स परफेक्टली फिट, मैनूवर करने में इसको ईजी होता है। लेकिन जब मैं हाईवे में राइड करती हूँ तो जो मेरा सिटिंग पोजीशन है वो मेरे कंधे थोड़ा ज़्यादा झुक जाते हैं, और बहुत देर तक इस पोजीशन में बैठने से ये वाला जो हिस्सा है कंधों का, ये बहुत ही ज़्यादा पेन करता है, नेक बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा इसका जो हैंडल बार है ये थोड़ा एलिवेटेड होता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता। इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि इसका जो स्क्रीन है वो जल्दी से विजिबल ही नहीं होता है। ये मेरी चल चुकी है अराउंड 7000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है मेरी बाइक। इसका जो डिस्प्ले है उतना मज़ा नहीं आता इसमें देखने में, ज़्यादा कुछ फीचर्स है नहीं डिस्प्ले में। इसको और अच्छा कर सकते थे लेकिन इतना कोई बढ़िया ये लगता नहीं है। देखो हमारी दोस्त भी आई है हमारे साथ रिव्यू देने के लिए। जब मैं इसको राइड करती हूँ तो इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी वाइब्रेशन का इशू है। जब मैं इसको राइड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से जो इसका मिरर है वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और जो बैकग्राउंड में जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो इतनी विजिबल नहीं होती हैं। ये हिल जाता है, शेक करता है बहुत ज़्यादा। इसके ये मिरर्स भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आता है जल्दी से, तो वो देखने में दिक्कत आती है। हालांकि बाइक हल्की है, मैनूवर करने में इजी है। इसके जो सस्पेंशन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब आप ऑफ रोडिंग में जाते हो तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता, प्रॉब्लम नहीं होती है। सीट कुशनी है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने जो इसमें एसेसरीज़ लगवाई थी वो मैंने लगवाया था जाना का क्रैश गार्ड, जो कि जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। इट ऑल्सो हैज़ अ बैश प्लेट हेयर, वो भी जाना का है। और ये रेडिएटर गार्ड है, ये भी मैंने जाना का लगवाया है। मैंने इसमें ये लगेज रैक लगवाया है, ये BMW का ही लगा हुआ है। ये GS का है, 310R में नहीं होता है, तो ये GS का लगा हुआ है। और इसमें जाना की ही ये प्लेट लगी हुई है, जिसके ऊपर GV का टॉप रैक की प्लेट है, और मैंने इसमें टॉप रैक भी फिट करवाया था। मैंने इसमें GV का टैंक बैग, जो कि मुझे बहुत ही मतलब काम आता है, बहुत ही इजी रहता है आपको सामान वगैरह रखने के लिए। एक और जो इशू मुझे BMW में आ रहा है वो है गियर शिफ्टिंग का। गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार आप जब रेड लाइट पे आके रोकते हो, खड़े होते हो, तो आपको न्यूट्रल जो है न्यूट्रल करने के लिए आपको बिल्कुल गियर मिलता ही नहीं है, वो या तो फर्स्ट पे चला जाता है या सेकंड पे चला जाता है। ऊपर से जो इसका गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, पता ही नहीं चल, मतलब बहुत स्मूथ नहीं है। सो इट्स वेरी हार्ड कि 1 से 2 एंड 2 से 3 आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें गियर शिफ्टिंग में। ये मेरी सर्विस एक बार हो चुकी है, और इसकी सर्विसिंग में जो मुझे खर्चा आया था वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का मुझे इसमें खर्चा आया था। और फर्स्ट सर्विस के बाद जो है इसका कूलेंट भी लीक हो गया था, जो कि मुझे फिर दोबारा से भरवाना पड़ा था, चेंज कराना पड़ा था। तो कूलेंट की बड़ी दिक्कत आती है इसमें, और सर्विसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वैसे तो मतलब देखा जाए तो ठीक ही है, उतना नहीं है, बट 300 cc
इंजन 313 सीसी इंजन होने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सर्विसिंग कॉस्ट इज़ टू हाई ऑन दिस, और इस सेगमेंट में इस सेम कॉस्ट में आपको बहुत ज़्यादा अब अच्छी अच्छी बाइक्स मिल सकती हैं मार्केट में। बहुत तरह की होंडा हाइनेस है, हिमालयन 452 आ रही है, हालांकि थोड़ा सा हायर सेगमेंट में है, बट विच इज़ अ वेरी गुड बाइक। इसके लिए तो मैं खाली यही कहूँगी कि इसकी जो अच्छी बात है वो बस यही है कि इसका एक ब्रांड है विच इज़ लाइक BMW ब्रांड। वेन एवर यू से टू समवन कि कौन सी आप बाइक चलाते हैं, एंड वेन यू से इट्स अ BMW तो पीपल फील लाइक इट्स अ वाव फैक्टर, सो विच इज़ वन थिंग। BMW के जो पार्ट्स हैं वो इजीली जल्दी से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर मिल भी जाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं लगाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू लुकिंग फॉर अ बाइक अराउंड दिस रेंज, व्हेन आई गॉट दिस बाइक आई बॉट इट फॉर 3 लाख, अराउंड 3,15,000 or 20,000 दैट टाइम लास्ट ईयर मई में, और रेट शायद अब चेंज हो गए हैं, लेकिन इसी सेम रेट में यू विल गेट मैनी अदर गुड बाइक्स। आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू बाइक, तो मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसी बाइक के साथ कंटिन्यू करूँ या फिर मैं एक नई बाइक ले लूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मेरी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मुझे सजेस्ट करना। आई एम 5'2" और 5'3" 5'2" और 5'3" के बीच में, तो हाइट का भी एक बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए। इसी को रखूं या दे दूं, निकाल दूं, क्या करूं मुझे बताओ। एंड प्लीज़ गो टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। माय रिव्यू इज़ जेन्युइन, मैंने पूरा इसमें कोई किसी का कुछ वो नहीं है, फीडबैक जो है बिल्कुल जेन्युइन है, जैसे मैंने फ़ील किया है, जैसे मैंने बाइक चला के मुझे लगा है वैसा ही मैंने इसमें आपको रिव्यू दिया है। आपको अगर ये बाइक लेनी है तो 10 बार सोच के लीजिएगा, पूरे रिव्यूज़ देख के लीजिएगा, ऐसे ही मत ले लीजिएगा कि खाली ब्रांड देख के, बिकॉज़ आप पैसा लगा देते हैं ब्रांड में और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि आपने ये तो गड़बड़ कर दिया, ये गलत हो गया है। तो मेक योर जजमेंट, गो विद अ गुड बाइक विद गुड फीचर्स फॉर इंडियन रोड्स एंड इवन फॉर द हाईवेज, तो उस हिसाब से पोस्चर कैसा है वो सब आप देख के लीजिएगा बाइक को। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट एंड गिव योर गुड आइडियाज़ एंड सजेशंस ऑन माई न्यू बाइक, वेदर आई शुड बाई इट और नॉट, और कौन सी लूँ मैं, ये भी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। सो बाइक्स एंड कर्स इज साइनिंग ऑफ नाउ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। ऐसे मैं कैसे बनाऊंगी बताओ। देखो मैडम जी अपनी पूरी कोशिश करते, तू चलेगी मेरे साथ बाहर। कमाल की है, डेस्टिनेशन पर होपफुली दिस इज़ अ लास्ट डेस्टिनेशन।